पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की याद में देश भर में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। इसे लेकर देश भर में ताजिए निकाले जाते हैं, लेकिन इन ताजियों का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से ये ताजिए बनाए जाते हैं, इसे जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं डीडवाना के कारीगर नाथू शाह जी के पास, जो ये बता रहे हैं कि ताजियों का ये निर्माण किस तरह से करते हैं। आइए इनसे जानते हैं ताजियों का निर्माण कैसे किया जाता है। नाथू जी, ये बताएं कि ये जो ताजिए आप बनाते हो, ये किस तरह, किस सामान से बनाते हो और किस तरह से ये आप निर्माण कर पाते हो? देखो जी जनाब, बांस लाते हैं हम, उसके खपचे निकालते हैं, उसको तोड़ तोड़ के नाप लेते हैं, नाप लेके उसका एक एक पीस बनाते हैं हम, एक एक पीस बना के उसको वापस जोड़ते हैं, जोड़ के फिर के उनके जो ये मीनार है वो ये मीनार लगाते हैं, मीनार लगा के इनकी सेटिंग करके वापस इनको सफ़ेद करते हैं, रत्ती से सफ़ेद करते हैं, सफ़ेद करके फिर इसको रंगपन्नी से सफ़ेद करते हैं पीतलपन्ना से, उसके बाद के अंदर ये कारीगरी जो कटिंग वगैरह। इसमें आप जो आपने जो कारीगरी लगाई है, आप ये बताओ कि ये कारीगरी किस टाइप से आप करते हो, थोड़ा जानकारी दें थोड़ा। ऐसे है ये कि जो कारीगरी है, मैं आज से 1972 से मैं काम कर रहा हूँ, मैं जब के 12-13 साल का था, 12 साल का था उस तरह से उससे बना रहा हूँ। हमारे वालिद साहब करते थे, हमारे वालिद साहब के वालिद साहब करते थे, उनके वालिद साहब भी करते थे, और ये हमारी हाथ की कला है, जो भी है जो कला है हाथ की कला है हमारे पास, इसके अलावा कोई नहीं। ताजिया बनाने में आपको कितना वक्त लगता है? जैसे एक ताजिए के अंदर हमें 2.5 महीने लग जाते हैं, 2.5 से 3 महीने एक ताजिए बनाने में। डीडवाना में कितने ताजिए आप बनाते हैं? 5 ताजिए बनाते हैं यहाँ पे, 5 ताजिए में। अब के क्या थोड़ी मेरी तबीयत नासार थी, इसलिए मैं 3 ताजिए मैंने बनाए हैं, एक हमारा भतीजा बनाया है और एक नागौर से अखबार से बने लेके आ रहा है। इस ताजिए में कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट में अलग अलग होता है, आप बताएं थोड़ा सा। देखो ये तो है रोजा, ये है अठवास, ये है गुमज, ये है छतरी, इसको छतरी बोलते हैं, और इसके नीचे की कुर्सी उस तरह पर, उस तरह पर। ये ताजिए जो है, जो आप बता रहे हो इस तरह से बनाते हैं, ताजियों में कई कलाकारी होती है, ये चांदी का, ये एक बताया जाता है कि चांदी का होता है, चांदी का सभी में होता है, एक ताजिए के अंदर एल्युमिनियम का रहता है, वो सब चांदी का ही। अच्छा, इसकी ताजिए की लंबाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है? करीब करीब 11 से 11.5 12 11.5 के आसपास। तो ये थे नाथू शाह जी, जिनका ये बताना है कि ताजिया बनाने में इनको कितना समय लगता है। अमूमन 1.5 से 2 महीने इनको लगते हैं ताजिया बनाने में, 3 महीने, ये 2.5 से 3 महीने भी हो सकते हैं। और ये हर साल लगभग 5 ताजिए बनाते थे, अब इनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, इसके कारण ये 3 ताजिए बना रहे हैं। अब इस साल 28 और 29 तारीख को ताजियों का पर्व मनाया जाएगा, इसके बाद इन्हें कर्बला में सराब किया जाएगा। जहीर इकबाल सुस्मानी, UNA न्यूज़, डीडवाना।